नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। कोटा में फंसे बिहार के बच्चे, लगातार उनकी खबरें आ रही हैं और वो लगातार अपना वीडियो जारी करके अपनी समस्याओं से अवगत भी करा रहे हैं। हालांकि इस बीच बिहार में राजनीति भी खूब हो रही है। पक्ष एक तरफ जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह के उनको वहीं पर रहने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार बिहार सरकार से पास की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो जाकर उन बच्चों को लाएंगे। अभिभावक भी चिंतित हैं, चिंता लाजमी है क्योंकि जिनके बच्चे हैं उसके बारे में अभिभावक अगर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हालांकि इस बीच एक वीडियो हमें कोटा से कुछ बच्चों ने भेजा है रिकॉर्ड करके। उनका ये कहना है कि वो वहां पर ठीक हैं लेकिन उनके लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो रही है, उनको सही खाना नहीं दिया जा रहा है। कुछ मेस वाले इस समय का भी फायदा उठाकर बच्चों को गलत खाना दे रहे हैं, अर्थात मार्केट में जो सामान मिल रहा है वो नहीं दे रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं और सिर्फ रूखी सूखी रोटी ही उनको दी जा रही है। जरा इस दर्द को भी सुनिए और समझिए कि इन बच्चों में कितनी देशभक्ति है, ये बच्चे देश के प्रति कितना सोचते हैं, देश को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं ही होना चाहिए। जरा सुनिए ये बच्चे क्या कुछ कह रहे। जय बिहार, जय हिंदुस्तान। हम बिहार के छात्र कोटा में रहकर विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रयासरत हैं। जैसे कि जग जाहिर है कि हमारा पूरा विश्व ही नहीं, हमारा देश भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से त्रस्त है और इस प्रकार की विभीषिका में हम सभी छात्रों से, सभी अभिभावकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। किसी प्रकार का कौतूहल न मचाएं। हाँ, हमें कुछ समस्याएं हैं कोटा में, समस्याएं हैं हमें जिसका जिसके बारे में लोग, हमारे मित्र सब विभिन्न माध्यम से सरकार को बता रहे हैं, सरकार को यह कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार की समस्याएं हैं। देखिए, हमें अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से किसी प्रकार का कोई शिकायत, किसी प्रकार का कोई गिला नहीं है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्य सरकारों की तर्ज पर हमारे लिए बसों की उपलब्धता नहीं कराई। हम समझते हैं कि उन्होंने कुछ भी सोच के हमारे लिए डिसीजन लिया होगा, क्योंकि जैसे सबको पता है कि अति विकसित देश जैसे अमेरिका, यूरोप इस प्रकार की वैश्विक महामारी से पीड़ित हैं और उन्होंने इस वैश्विक महामारी के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज या इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। अतः इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, सरकार द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया गाइडलाइन का स्ट्रिक्टली फॉलोअप हो, लॉकडाउन का पालन हो। किसी को लॉकडाउन तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे हम इस वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोटा में कुछ समस्याएं हैं जिनसे मैं अपनी राज्य सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ पे विभिन्न हॉस्टल में बढ़िया हॉस्टल फी, बढ़िया मेस फी देने के बाद भी विभिन्न प्रकार के बहाने मेस द्वारा बनाए जा रहे हैं, मेस मालिकों द्वारा बनाए जा रहे हैं कि इस प्रकार ये चीज उपलब्ध नहीं है, वो चीज उपलब्ध नहीं है, जो कि यदि हम स्वयं के पैसे से किसी कर्मचारी के माध्यम से वो सामान मंगवाते हैं तो वो मिल जाती है, लेकिन वही ये लोग बस बहानेबाजी कर रहे हैं। और हम बस यही चाहते हैं हमें खाने को खाना मिले। और हमारे बहुत सारे मित्र पीजी में रह रहे हैं जिनको 2-3 दिन से खाने को तक नहीं मिला है। इसलिए हम अपने मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री जी सुशील कुमार मोदी जी, राजस्थान के स्थानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कोटा में रह रहे बिहार के सभी छात्रों की खाने योग्य भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, क्योंकि हमने और यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है और राज्य सरकार, उसे भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का कोई छात्र यदि कोटा में रहता है तो हम अपने फीस के रूप में आपको 9% GST देते हैं, जो कि ऑन एन एवरेज हर बच्चा 10,000 आपकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है हर साल। तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप हमारे लिए यहाँ भोजन उपलब्धता सुनिश्चित कराए। और नंबर दो, हम लोग को आवश्यकता नहीं है लेकिन बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनका भरण पोषण छोटे छोटे व्यवसाय से होता है और सबको पता है कि लॉकडाउन में वो बिल्कुल बंद है, तो हमें नहीं बोल रहे आप हमारा फीस माफ कर दीजिए, लेकिन हमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। ये नहीं है कि एक सीमित समय तक ही फीस जमा करना है। हमारे कुछ पीजी वाले भाइयों से कंप्लेन आया है कि उन्हें एकदम प्रेशराइज किया जा रहा है, कुछ हॉस्टल वाले भाइयों से कंप्लेन है कि उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है फीस देने के लिए। इसलिए हम स्थानीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, केंद्र सरकार और बिहार की राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन से संवाद स्थापित करें और हमारी प्रमुख मांगों को पूरा करें। हम नहीं चाहते कि हम घर आए, लेकिन हमें जो बेसिक नीड है वो पूरा हो, क्योंकि हमें जानते हैं कि यदि हम मांग करेंगे तो जो अशिक्षित तबका है बिहार का, जो कि दिहाड़ी मजदूर है, जो उनके भी छोटे छोटे बच्चे, हमारे पास तो एटलीस्ट इतना उपलब्ध है कि हमारे पास पैसे हैं, खाने नहीं मिलेगा तो पैसा खाना मंगा के खा सकते हैं, कि उनके पास पैसे भी नहीं, वो कैसे जिएंगे। तो ये समझने की बात है और अभिभावकों से निवेदन है कि वो कौतूहल ना मचाएं
क्योंकि राज्य सरकार जो भी है, जो भी कदम उठाएगी वो हमारे हित में उठाएगी। और हम बस यही निवेदन करते हैं, हमारी मुख्य रूप से हमारे खाने की उपलब्धता की खाने योग्य खाना की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाए, और जो भी मेस वाले बेवजह आधारहीन असंतोषजनक बहाना बना रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। यही हम अपने मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर हम लोग आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी देश के छात्र हैं और हमारा भविष्य भी कोई बचाना आप ही के हाथ में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तो सुना आपने इन बच्चों के दर्द को, इनको सिर्फ दिक्कत आ रही है तो वो है खाने पीने को लेकर, और इसी की वो मांग कर रहे हैं। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि वो वहां पर हैं तो ठीक है, सरकार जो भी कर रही है, फैसला जो भी ले रही है, वो बच्चों के लिए ही सोच कर ले रही होगी, लेकिन सरकार को भी इन बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और इनके पास सही खाना कम से कम मुहैया कराया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे पैक्ड हैं पूरी तरीके से लॉकडाउन में, और अगर उनको सही खाना भी नहीं मिलेगा तो तबीयत खराब हो सकती है, या फिर वो पूरी तरीके से अपना जिस तरीके से घर में रह रहे हैं घर की भी स्थिति खराब हो सकती है, परिवार वाले सोच सोच कर ये उनकी भी परिस्थिति खराब हो सकती है। इसलिए सिटी पोस्ट भी सरकार से अपील करता है कि इन बच्चों का ख्याल रखा जाए और इनकी मांग पूरी की जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर सही लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।